हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम ममता मैम। टुडे आई विल टीच यू क्लास थर्ड, कल्चर सोसाइटी, लेसन फोर। स्टूडेंट्स, लेसन फोर, इंडियन पॉलिटिकल डिविजन्स, इसके बारे में मैंने आपको इसके फर्स्ट टर्म पे पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या डील करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 7 टेरिटरीज को डील करती है और दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर सेंट्रल मिनिस्टर लिव इन दिल्ली। हमारे दिल्ली में हमारे देश के जो मुख्य लोग हैं, जैसे हैं प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है और सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, वो दिल्ली में ही रहते हैं। दे आर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारे पूरे देश को गवर्न करते हैं। एवरी स्टेट हैज़ इट्स कैपिटल। हर एक स्टेट अपना एक कैपिटल रखता है। जैसे हमारा ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? लखनऊ है। उसी तरह से और सारे जो कैपिटल्स हैं, वो जो हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं और 7 टेरिटरीज है। तो 29 जो स्टेट्स हैं उसमें उस सबके कैपिटल होते हैं और उसको गवर्न कौन करता है? गवर्नर करता है, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स लिव इन कैपिटल। और उस राजधानी में जो है कैपिटल के जो मिनिस्टर होते हैं वो रहते हैं, गवर्नर होते हैं और चीफ मिनिस्टर में मुख्यमंत्री रहते हैं। दे आर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, शासन करते हैं। ड्यू टू डिफरेंट लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट, देयर आर डिफरेंसेज इन वेजिटेशन, फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, फेस्टिवल्स एंड ऑक्यूपेशंस इन डिफरेंट स्टेट। बच्चों, हमारे जो जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे अलग अलग ढंग का मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, अलग ढंग की भूमि भी होती है। कुछ जगह की ज़मीन ऊसर होते हैं, कुछ जगह की ज़मीन अच्छी फर्टाइल होती है और इन वहाँ का वेजिटेशन भी अलग होता है, वहाँ के मौसम भी अलग होते हैं, वहाँ के खान पान भी कुछ अलग होते हैं, ड्रेसेस भी अलग होते हैं, कुछ त्यौहार भी लोग अलग अलग ढंग से मनाते हैं और वहाँ पे जॉब भी सबके कुछ अलग अलग होते हैं। वी आल्सो स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और हम कुछ अलग भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बट स्टिल वी हैव मच कॉमन, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कॉमन ज़रूर होता है। वी आर यूनाइटेड एज वन नेशन, और हम लोग एक ही भारत में रहते हैं, हम सभी लोग मिल करके एक ही एक यूनिट में एक उस अपने एक एक भारत में रहते हैं। वी हैव वन नेशनल फ्लैग, और हमारे भारत का एक ही नेशनल फ्लैग है। अरे देखिए, आपको ये नेशनल फ्लैग दिया भी गया है, नेशनल नारंगी और वाइट एंड ग्रीन कलर का हमारा नेशनल फ्लैग होता है। एंड वन नेशन एंथम, और हमारा एक ही राष्ट्रीय गान है जो जिसको कि हम सब लोग जानते हैं, जनगणमन हम सब लोग बोलते हैं। वी आर ऑल इंडियंस, और हम सभी भारतीय हैं। इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और हमारे इस पूरे भारत में 29 स्टेट्स हैं और 7 टेरिटरीज हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका स्टेट्स दिया गया, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये हमारे जो है 29 स्टेट्स हैं। और 7 टेरिटरीज में आप देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया है यूनियन टेरिटरीज क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, दूसरा क्या है आपका चंडीगढ़, तीसरा आपका है दादरा एंड नगर हवेली, चौथा नंबर पे आपका है दमन एंड दीप, फिफ्थ नंबर पे है आपका लक्षद्वीप, सिक्स नंबर पे पांडुचेरी एंड सेवन नंबर पे नेशनल कैपिटल टेरिटरीज दिल्ली।
तो बच्चों ये हमारे 7 टेरिटरीज हैं, और ये मेरे देखिए पूरे भारत का मैप दिया गया, इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स जितने हैं और 7 टेरिटरीज को ये मैप में दिखाया गया है बच्चों। अब आगे आपको देखिए मैं दिखाती हूँ, तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे स्टेट को बांटा गया है, कितने एरिया में, देखिए देखिए स्टेट कैपिटल एरियाज, लैंग्वेज, रिवर्स, टाउन्स, इंडस्ट्रीज, क्रॉप ग्राउंड, ड्रेसेस, फेस्टिवल, प्लेसेस टू विजिट। हम जितने भी मेरे स्टेट्स हैं वो कितने एरिया में हैं, कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी वहाँ नदियाँ हैं, कौन कौन से वहाँ शहर हैं, क्या इंडस्ट्री है, क्या वहाँ पे उद्योग हैं, कौन से क्रॉप वहाँ पे होते हैं, और कौन से ड्रेसेस हम लोग पहनते हैं, कौन सा त्यौहार मनाते हैं, और किस प्लेस को हम देखने जाते हैं। तो बच्चों ये आपके बुक में पूरा दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ख़ास तौर से मुख्य मुख्य सिटी में, जैसे आप देख लीजिएगा आपका ये बिहार का है, छत्तीसगढ़ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है, और ये उत्तर प्रदेश दिया गया है, वेस्ट बंगाल दिया गया और दिल्ली दिया गया। मुख्य मुख्य सिटी को, मुख्य मुख्य कैपिटल को आप अवश्य देख लीजिएगा बच्चों। आपका यह लेसन समाप्त होता है, मैं इसका आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करके दे दूँगी। थैंक यू।